कारण नहीं है। गाय माता में इतनी शक्ति है कि गाय माता परमात्मा को भी साकेत्य से धरती पर ले आए। गाय माता में इतनी ताकत है कि वो निराकार है पर ब्रह्म को साकार आकार रूप धारण करवा के धरती पर ले आए। गाय माता में इतनी ताकत है कि परमात्मा को भूगर्भ से भूतल पर ले आए। और गाय माता में वो शक्ति है कि एक साधारण से मानव को भी देवता बना करके संसार में पूजनीय कर दे। मेरे भाई बहनों, इसका प्रमाण है अग्नि पुराण के 5वें अध्याय के 4वें श्लोक में लिखा है कि गौ माता के दूध के कारण राम जी ही इस धरती पर अपने 4 अलग अलग स्वरूपों में पधारे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये वस्तुतः एक ही है, एक ही प्रभु के 4 अवतार लेकर के गौ माता के खीर के कारण। आप लोगों ने घटना सुनी होगी कि जब दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी तब शांता जी के पति श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ। शांता कौन थी असल में आप जानते मेरे भाई बहनों? शांता दशरथ जी की बेटी थी, राम जी की बहन थी शांता। लेकिन कहते हैं कि बहुत पहले ही उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया था अपने साली को। जब साली की कोई संतान नहीं हो रही थी तब दशरथ जी के घर में बेटी हो गई थी और उन्होंने अपनी साली को वो बेटी दे दी थी बचपन में। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन्हीं के जो पति हैं श्रृंगी ऋषि, उनसे यज्ञ हुआ, हवन हुआ। स्वयं मेरे भाई बहनों यज्ञ भगवान के द्वारा प्रकट हुए यज्ञ नारायण भगवान, और एक चरु में गाय माता के दूध की खीर लेकर के आए। तीनों रानियों में खीर का विभाजन हुआ और उसी से प्रभु प्रकट हुए। तो इस धरती पर गाय माता ही धरती पर भगवान को लाती है और इसी बात का प्रमाण रामचरितमानस जी में भी है। जब रावण का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया, सारी धरती रावण के आतंक से परेशान हो गई, क्योंकि रावण चलता मेरे भाई बहनों सारी धरती हिलने लग जाती। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भस्त्रह सुर रवनी। जब रावण चलता तो सारी धरती डगमगाने लग जाती। डगमगाने लग जाती मतलब कोई भूकंप नहीं आ जाता था, धरती डगमगाने लग जाती थी मतलब कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती थी। रावण ने जितने भी देवता हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सबको अपने घर में नौकर चाकर बना के रख दिया। जहाँ यज्ञ होते वहां पर रावण जाता और यज्ञ वेदियों को नष्ट करता, साधु संतों को परेशान करता। और मेरे भाई बहनों रावण ने आदेश दे दिया कि जिस जिस गांव में गाय माता है उन गांवों को ही जला डालो। स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस जी में कि रावण ने आदेश दिया था, जे ही देश धेनु द्वीज पावहि, जे ही देश धेनु द्वीज पावहि नगर। नगर गांव पूरे आग लगाव है। जिस जिस देश में, गांव में, नगर में, पूरे में गाय माता दिखे उस पूरे नगर को ही जला दो। ये आदेश दे दिया था। मेरे भाई बहनों याद रखना, जब जब ऐसे शासक आएंगे जो गो के अहित में बात करें तब तब इस धरती पर अधर्म बढ़ता जाएगा। रावण आया, उसने भी ये आदेश दिया था कि अगर जिस गांव में गाय माता दिखे उसको जला दो, तो अधर्म बढ़ गया। मेरे भाई बहनों कंस भी आया तो उसने भी यही आदेश दिया कि जहां जहां गैया दिखे उस गांव को जला डालो, तो अधर्म बढ़ गया। और अगर आगे भी ऐसे कोई शासक आए जो गौ के अहित में बात करेंगे या गौ हत्या को नहीं रोकेंगे, तो मेरे भाई बहनों निश्चित है कि इस देश में अधर्म धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा।
तो रावण के आतंक से सारी धरती परेशान है, सारे देवता परेशान हो गए। सब लोग मिल करके गए भोले बाबा के पास, कहा प्रभु कृपा कीजिए, आप इस रावण के आतंक से हमको बचाइए, ऐसे तो सारी धरती ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, इसका आतंक बहुत अधिक बढ़ गया है। मेरे भाई बहनों, भोले बाबा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा प्रभु क्यों कुछ नहीं कर सकते, आप तो सारे जगत का संहार करते हैं, आपके तीसरा नेत्र खुल जाए तो सारी सृष्टि जल के नष्ट हो जाए, सृष्टि क्या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जावे, तो रावण का आप क्यों कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, कारण ध्यान से सुनना जो भोले बाबा ने बताया। कहा मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रावण पहले से 10 सिर चढ़ा चुका है, उसके एहसान के तले में दब चुका हूं, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कभी किसी पापी का कुछ मत लेना। पापी से अगर कुछ भी स्वीकार कर लिया ना, तो फिर वो पापी पाप करेगा, तो आगे आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आप उस पापी के हाथों बिक चुके हैं। और आज हिंदुस्तान में हो भी यही रहा है, पहले ही अपने ईमान को कभी तो शराब की एक एक बोतलों में और कभी 2-2 हजार की नोटों में बेच डालते हैं, फिर जब आगे आवश्यकता पड़े किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, तो हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, कैसे बोलेंगे, विरोध किस वाणी से करेंगे, क्योंकि पहले ही ईमान को बेच डाला। भोले बाबा ने मना कर दिया कि मैं रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये 10 सिर पहले ही चढ़ा चुका है, मैं बंध चुका हूँ। सारे देवता परेशान हुए और मेरे भाई बहनों फिर गए विष्णु भगवान की शरणागति लेने। विष्णु भगवान से बड़े हाथ जोड़ करके मन से प्रार्थना की, लेकिन विष्णु भगवान ने तो किसी को दर्शन ही नहीं दिए। मेरे भाई बहनों, सारे देवता प्रार्थना करके थक गए, लेकिन विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अंत में धरती माता ने विचार किया कि इन सभी देवताओं में सबसे अधिक दुखी इस रावण के आतंक से मैं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अत्याचार तो मुझ पर कर रहा है, इसलिए क्यों ना मैं ही प्रभु से जाकर के प्रार्थना करूं। लेकिन दूसरे क्षण फिर विचार आया कि जब इतने सारे लोगों की भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो फिर मेरी कैसे सुनेंगे, क्यों ना कोई ऐसा रूप बनाऊं जिस रूप को बनाकर अगर प्रार्थना करूं तो प्रभु कभी अनसुना ना कर पाए। मेरे भाई बहनों, बहुत विचार किया कि ऐसा क्या रूप बनाऊं जिस रूप से अनसुनी प्रभु कर नहीं पाए। तब उन्होंने, मेरे भाई बहनों, विचार किया कि गो माता प्रभु को बहुत प्यारे हैं और गो की पुकार ठाकुर जी कभी अनसुना नहीं कर सकते। तब धरती माता ने गो माता का रूप बनाया, इसीलिए लिखा भी है, धेनु रूप धरे हृदय विचारी, धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहा सुरे मुनि जा, गई तहा सुरे मुनि जा, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहा जहां सुर मुनि जारी। जब मेरे भाई बहनों गो का रूप बना करके धरती माता गए और प्रार्थना की प्रभु से, गो की पुकार कभी ठाकुर जी अनसुना नहीं कर सकते। उसी समय प्रभु प्रकटे और कहा कि माँ, आपकी पुकार कभी अनसुना मैं नहीं कर सकता, आपने प्रार्थना की है तो आपकी प्रार्थना को मैं निश्चित आपके आदेश का पालन करूंगा, उसको स्वीकार करूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रावण के आतंक को समाप्त करूंगा। और मेरे भाई बहनों, ये हुआ भी, वही विष्णु भगवान, वही ठाकुर जी राम जी बन करके आए और रावण की 10 मुंडियां काट करके इस धरती को रावण के आतंक से मुक्त किया। तो ये बात, ये घटना स्पष्ट करती है कि प्रभु जब जब इस धरती पर पधारते हैं साकेत्य से, कारण सिर्फ और सिर्फ गो माता होते हैं। और इस बात को तो स्पष्ट लिख भी दिया है रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी महाराज ने, गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुषे तनुधा।
कृपा सिंधु।